अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज जी हम पहुँचे हैं फ़िश खाने के लिए, क्योंकि चिकन में बीमारी आई हुई है और हमने सोचा कि खाते हैं फ़िश। और ये हमारे लिए जी फ़िश तैयार हो रही, यानी उसकी पहली कटाई होगी और कटाई के बाद फिर कढ़ाई की तरफ जाएगा। तो ये जी हमारे एक अच्छे दोस्त हैं और इनके पास हम अक्सर मछली खाने आते हैं, और इन्होंने जी शुरू कर ली है अपनी कटिंग। और कटिंग भी ऐसे कि आप को देखने में भी मज़ा आए। और ये देखिए जी अब बारी है मसाला लगाने की। तो मसाला लगाने के लिए एक ख़ास तरतीब होती है जी, और ख़ास महारत के साथ ही मसाले दिए जाते हैं। ये हसबे जायका नमक डाला जाता है, और साथ में जी लहसुन, और ये जी गरम मसाला वगैरह, धनिया। ये इन्होंने मसाले जी ख़ुद तैयार किए और आपके सामने पड़े हुए हैं ये मसाले। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये क्या क्या डालते हैं। और साथ में थोड़ा सा बेसन, ताकि मछली जब कढ़ाई में डाली जाए और ये ख़राब ना हो। तो ये देखें जी, इसको मसाले लगाए जा रहे हैं। क्या बात है जी, मेरे तो अभी से मुंह में पानी भरा है। ये मसाला, ये अदरक और पुदीना वगैरह, और ये क्या बात है जी। थोड़ा टाइम इसको रखते हैं जी कढ़ाई में जी तलने के लिए डाल दिए। और ये जी कढ़ाई की ख़ास बात कि ये सरसों के ऑयल में तैयार होती है। जो लोग घी नहीं खाते और मोटापे का शिकार है या डर। ओए क्या बात है उस्ताद जी, सब जियो जियो जियो। ये जी हमारे दोस्त ने फरमाइश की है, तो उनकी फरमाइश पे दोबारा जी ज़बरदस्त जी। ये तेल से बनी मछली खाएँ और अपनी सेहत बनाएं, और यहाँ पर लाजमी विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेट भी मुनासिब मिलेंगे, और सबसे बेहतर बात कि आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। और इनकी फ़िश तैयार होती है स्पेशल सरसों के ऑयल में। तो जी जल्दी जल्दी पहुँचे, क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं हम आपके खाने की टेबल पे। ओहो आपने तो आने में देर कर दी, क्योंकि जो बना था वो तो हम खा रहे हैं और आपके लिए कुछ नहीं बचा। तो आखिर में कब प्रोग्राम तो बढ़ गया है जी, और हम सब कुछ खा गए, अपने लिए दूसरा ऑर्डर दे और फिर यहाँ पर पहुँचे। थैंक यू।